हेलो स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो हम लोग दोबारा मिल गए हैं अन अकेडमी पर जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसके नंबर वन चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर साढ़े ग्यारह बजे जो हमारा कोर्स चलता है फाइनल डेस्टिनेशन फॉर नीट टी ट्वेंटी पर इज इट क्लियर स्टूडेंट्स क्रैक नीट यू सो जो बच्चे नए हैं मुझे नहीं जानते हैं मुझे जान लीजिए मैं हूँ आपकी एजुकेटर डॉक्टर बीतू भावनानी ठीक है बाय प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ डेंटल सर्जन हूँ सात साल से ज़्यादा मैं नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है आप लोगों को लगता है ना कि मैम टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी। डी सो दिस इज़ माई टेलीग्राम आई ठीक है दिस इज माय टेलीग्राम आईडी और आप चाहें तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट मीतू भावनानी से भी सर्च कर लीजिए आपको मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए क्या स्केड्यूल्स आते हैं क्या नहीं आते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे आई एम गुड स्टूडेंट नितेश रवि शीतला जयंत उर्वी डॉक्टर प्रीति मोनिका आ जाओ बच्चों एक सेकेंड चलो हम लोग आज देखो ये जो टाइम है ना आप लोगों के लिए रिजल्ट्स आ चुके हैं नीट का एग्जाम होने वाला है सबको पता है कि क्या है किस तरीके से हमें ईयर लॉन्ग की तैयारी करनी है तो देखो ये बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अन अकेडमी लर्निंग एप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और नीट यू का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए देखिए ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जो एक वो बोलते हैं ना कि पर्सनल गाइडेंस वाली फील आती है प्लस पे आपको एक एक डाउट उसी टाइम पर क्या हो जाता है स्टूडेंट क्लियर हो जाता है अक्षत अमित शमुज, शमुज, ओके मारिया रतन इज इट क्लियर स्टूडेंट्स तो सब्सक्रिप्शन लेने का यह बेस्ट टाइम है नीट यू का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एक साल या दो साल का एक साल या दो साल का सबसे बेस्ट है मेरा कोड अप्लाई करिए MB10 टेन आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा एक साल का और दो साल का कोर्स सबसे ज्यादा बेस्ट है स्टूडेंट्स ठीक है एम बी टेन कोड अप्लाई करिए आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा चलो आजा बच्चों फटाफट तो हम लोग स्टार्ट करें लैग हो रहा है एक सेकंड रुको हां थोड़ा आ रही है लैग हो रहा है अभी ठीक है नाउ इट्स फाइन हाँ, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं देखो आज रात में दस बजे दे आ, हम लोग क्लास इलेवेंथ का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ठीक है दूसरी बात है कि आ, आज रात में दस बजे मैं आपको एक सेशन दूंगी स्ट्रेटेजी पर फाइनल स्ट्रेटेजी फॉर नी 2020 ठीक है आज रात में दस बजे लिंक अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम पे डलवा दूंगी आज रात में दस बजे थोड़ा सा टाइम लूंगी आप लोगों को काफी था कि मैम स्ट्रेटेजी बताओ एक बार फाइनल स्ट्रेटेजी बताओ उस बेसिस पर मैं आप लोगों को फाइनल स्ट्रेटेजी बता दूंगी कौन सा टॉपिक कब आता है स्टूडेंट टेलीग्राम पे जुड़े रहिए रात में सोने से पहले मैं पूरा शेड्यूल डाल देती हूँ ठीक है तो रात में आज दस बजे इसी चैनल लेट्स प्रेक न्यू ट्यू पे मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगी 2020 के लिए ठीक है स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नीट यूजी में क्लास इलेवेंथ का टॉपिक फाइनल डेस्टिनेशन नीट टी ट्वेंटी चल रहा था इसमें जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में वैसे तो एक 2020 वालों के लिए एक तरीके का क्रैश कोर्स है फास्ट रिविजन कोर्स है लेकिन मैंने पार्ट्स में बांटा जैसे स्टेम लीफ रूट स्टेम एंड लीफ को पढ़ लेंगे जितना हो पाया फिर फ्लावर को पढ़ लेंगे फ्रूट को पढ़ लेंगे इनफ्लोरोसेंस को पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन को पढ़ेंगे और फ्लोरल डायग्राम्स को पढ़ेंगे हो सकता है इनमें से मैं कुछ क्लासेस कल से स्पेशल क्लास पे डाल दूं। जैसे दो सेशन मैंने यूट्यूब पे ले लिए तो दो सेशन में स्पेशल क्लास पे लूंगी तो कौन सी क्लास कब होगी ये सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम से ही पता चलेगा तो प्लीज टेलीग्राम आई मैंने आप लोगों को दे दी है ठीक है अब तो ठीक है या अभी भी लैक कर रहा है लैग कर रहा है जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट। गिव मी टू मिनिट्स Now it's fine. Now it's fine students. चलो तो जो आज टॉपिक हम लोगों को देखना है वो है आई थिंक अब ठीक है अब तो लैग नहीं कर रहा है हम्म। चलो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देखो मॉर्फोलॉजी क्या होती है मॉर्फोलॉजी क्या होती है देखो यहां पर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिनमें फ्लावर होते हैं जिनमें क्या होते हैं फ्लार होते हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीच के लिए भी फ्लार होते हैं तो हमने टुकड़ों टुकड़ों में इस टॉपिक को तोड़ दिया है फ्लार मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लार क्या है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अब ये जो फ्लार ही क्यों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्योंकि उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है दूसरी बात जिन प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं हम उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं तो मेनली हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है क्या होता है मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स मॉर्फोस का मतलब होता है फॉर्म एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी ठीक है मॉर्फोस का मतलब होता है फॉर्म लॉजिक का मतलब होता है स्टडी कहने का क्या मतलब है इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द प्लांट आपको प्लांट को बाहर से देखकर कैसा नजर आ रहा है उस पे बेसिस है ठीक है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट प्लांट को बाहर से देखकर आपको कैसा लगता है उस बेसिस पर मॉर्फोलॉजी डिफाइन होती है देखो मॉर्फोलॉजी पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है हमें डाइवर्सिटी पता चलती है वेरिएशंस पता चलते हैं इनहेरिटेंस पता चलता है इकोलॉजी के बारे में पता चलता है प्लांट की ब्रीडिंग के बारे में पता चलता है इंटरेक्शन के बारे में पता चलता है इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक मॉर्फोलॉजी बताती है ठीक है तो मॉर्फोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरफोलॉजी इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है पार्ट्स को पढ़ने के लिए स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए ठीक है उसके बाद उसके बाद और क्या है फिजियोलॉजी के अलावा आप एडेप्टंस पढ़ सकते हैं कि जिस देखो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस आएंगे तो वो एडेप्टंस को भी इंडिकेट करेंगे किसी भी फीचर में अगर आपके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस आएंगे तो वो एडेप्टंस को भी करेंगे जोवेनाइल एंड मैच्योर कंडीशन कंडीशन में प्लांट में यह दिख रहा है मैच्योर कंडीशन में प्लांट में यह दिख रहा है जुविनाइल एंड मैचर फेसेस ठीक है इज इट क्लियर अब देखो हम लोगों को जो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं वो कौन से कौन से पढ़ने हैं रूट टेम लीव फ्लावर फ्रूट एंड सीड इनसे रिलेटेड हमें इस पूरी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स बट अभी भी लैग हो रहा है रुको नाउ इट्स फाइन अब ठीक है बहुत ज्यादा हो रहा है क्या लैग नाउ इट्स फाइन करें करें चलो एक काम करते हैं थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं फिर लैग होता है तो मैं देखती हूं पता नहीं इसमें नेट का तो ठीक आ रहा है नेट का तो ठीक है तो एक तो रूट पढ़ना है स्टेम पढ़ना है लीफ पढ़ना है फ्लावर फ्रूट एंड सीड पढ़ना है ठीक है चलो और आप लोग भी आ जाओ बच्चों आज बहुत कम बच्चे आए हो क्यों कहां गए हो बाकी बच्चे आज बच्चे कम आए हैं ओके तो सबसे पहले सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है रूट किसके बारे में पढ़ना है रूट के बारे में किसके बारे में पढ़ना है रूट के बारे में देखो कोई भी अगर मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कोई भी अगर मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें बस उसके दो से तीन सब पॉइंट्स याद रखने हैं कि सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ठीक है उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड हम लोग स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेंगे ठीक है अगर वो और चीजों में एडप्ट होना चाहता है तो मॉडिफिकेशन एंड फंक्शंस ये चीज ये चारों सब टॉपिक्स आप सब पर एप्लीकेबल करोगे ठीक है स्टूडेंट सब पर एप्लीकेबल करोगे बच्चों आ जाओ फटाफट आज कम बच्चे आए हो नहीं पता था कि ये सेशन है बाय ये मॉर्फोलॉजी का आप लोगों के कहने पे तो मॉर्फोलॉजी उठाई थी नहीं तो मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाती और स्पेशल क्लास लेती ऐसे मत करो आ जाओ फटाफट ठीक है आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही ये चैप्टर आज यूट्यूब पे रखा है वना आज मैं बहुत सारी स्पेशल क्लासेस रख रही थी ठीक है चलो हम लोग अगर रूट के बारे में बात करें अगर रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो रूट क्या है देखो रूट प्लांट का ऐसा पार्ट है कि जब तक आप प्लांट को अप्रूट नहीं करोगे वो आपको नहीं दिखाई देगा ठीक है वो आपको नहीं दिखाई देगा आपको प्लांट को अप्रूट बाहर निकालना पड़ेगा तो आपको रूट नज़र आएगी तो रूट के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये अंडरग्राउंड पार्ट है ये एक अंडरग्राउंड पार्ट है दूसरी बात यह एक नॉन ग्रीन पार्ट है एज सच कोई बहुत भयंकर क्लोरोफिल नहीं है इसके पास नॉन ग्रीन पार्ट है तीसरा तीसरा क्या है स्टूडेंट्स? तीसरा क्या है बताओ मुझे ये एक डिसेंडिंग पार्ट है ये एक डिसेंडिंग पार्ट है और क्या कह सकते हो रूट के पास कोई भी नोड और इंटर नोड नहीं होते हैं नो नोट्स एंड नो नोट्स एंड इंटर नोड्स गेटिंग माई पॉइंट यह कैसे पार्ट होते हैं यह सिलेंड्रिकल होता है रूट का पार्ट कैसा होता है सिलेंड्रिकल पार्ट होता है लिख लो इसको ठीक है दूसरी बात दूसरी बात कि जो रूट है ये जो रूट होती है जैसे ये 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 भाई मैंने एक बनाई का क्या है ये? ये आप इसका टिप मान लो ये रूट का क्या मान लो टिप मान लो तो इस टिप में से यूनिसेल्यूलर लॉन्ग इलांगेटेड थ्रेड लाइक चीजें निकलती हैं क्या निकलती हैं ड लाइक चीजें निकलती हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं ठीक है अभी मैं पूरे रूट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊंगी हैज रूट हेयर्स रूट के पास बड होती भी है और नहीं भी होती है अगर रूट के पास बड होगी तो उसको रेडिकल कहेंगे इफ बड प्रेजेंट कॉल्ड एज रेडिकल बच्चों सब कुछ धीरे धीरे बता रही हूं फिक्र मत करो मोर्फोलॉजी को मैं आसान बना दूंगी ठीक है रेडिकल सच कोई देखो रूट में भी स्टेम में आपको ज्यादा ब्रांचेस नजर आते हैं पर रूट में भी आपको ब्रांचेस नजर आएंगी और रूट की ब्रांचेस रूट के बिल्कुल अंदर वाले पार्ट से निकलेंगी रूट के बिल्कुल अंदर वाले पार्ट से निकलेंगी ज रूट ब्रांचेस अराइजेज फ्रॉम इंटरनल ऑफ द रूट इंटरनल ऑफ द रूट मतलब यह रूट है तो अगर इसकी ब्रांच निकलेगी तो वो रूट के अंदर से ही निकलेगी मतलब क्या मैं इसको एंडोजिनस ओरिजन बोल सकती हूं यस रूट का क्या है एंडोजिनस ओरिजन है अगर ट्रॉपिज्म के बारे में बात करें तो रूट कैसी होती है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक क्योंकि रूट का काम ही पानी को एब्जॉर्ब करना है हाइड्रोट्रॉपिक और जिओट्रॉपिक ग्रेविटी की गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाएगी दूसरी बात नेगेटिवली, नेगेटिवली, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक ठीक है हाँ अभिषेक मैं बता रही हूं ये कैरेट रूट का सब कुछ बता रही हूं ठीक है इज इट क्लियर इसको देखते चलो दूसरी बात अब अगर मैं रूट्स के लेवल्स के बारे में बात करूं देखो मैं उसको टाइप्स में भी डाल सकती हूं मैं उसको डिग्री में भी डाल सकती हूं मैं उसको ब्रांचेस में भी डाल सकती हूं तो अगर मैं पार्ट्स ऑफ रूट की बात करूं, पार्ट्स ऑफ रूट की बारे में बात करूं अच्छा जब उस समय लैग हो रहा था तो एक बात बता देती हूं कि मैंने ये कहा था लेगिंग में अगर आपको सुना ही नहीं दिया था तो मैंने ये कहा था कि आज रात में दस बजे मैं एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो दूंगी इसी चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर फाइनल स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2020 तो वो मिस मत करना उसका लिंक मैं अभी टेलीग्राम पे डलवा दूंगी ठीक है तो पार्ट्स ऑफ रूट क्या है अब आप बताओ मुझे बताओ पार्ट्स ऑफ रूट कैसे कहेंगे या हम लोग चलो इसको एक काम करो ये मत करो आप पहले लेवल्स ऑफ रूट को देखो लेवल्स ऑफ रूट लेवल्स ऑफ रूट में क्या है देखो पहला है प्राइमरी रूट पहली क्या है प्राइमरी रूट दूसरी क्या है सेकेंडरी रूट और तीसरी क्या है टर्शरी तो प्राइमरी को वन डिग्री सेकेंडरी को टू डिग्री और टर्शरी को थ्री डिग्री कह सकते हैं ठीक है गेटिंग माई पॉइंट अब देखो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब सीड डेवलप होता है जब सीड डेवलप होता है तो एक सीड का पार्ट होता है प्लीम्यूल और एक होता है रेडिकल ये है प्लीम्यूल जिससे कि सारे के सारे शूट सिस्टम बन जाता है ऊपर के एरियल पार्ट स्टेम ब्रांचे सब कुछ बनेगा और ये है रेडिकल रेडिकल से आर से बनेगी रूट आर फॉर रेडिकल आर फॉर रूट यहां से पूरा का पूरा रूट सिस्टम बाहर निकलेगा पूरा का पूरा रूट तो रेडिकल से रेडिकल से जो पहली रूट निकलती है जो सबसे पहली रूट निकलती है वो क्या होती है प्राइमरी रूट फ्रॉम फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल ठीक है फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल पहले लिख लो फिर डायग्राम बनाते हैं अब है ये तो पहली रूट निकल गई प्राइमरी सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी के ही और ब्रांचिंग से निकलेगी टर्शरी जो सेकेंडरी की ब्रांचिंग से निकलेगी तो क्या मैं कह सकती हूं लेटरल ब्रांचिंग ऑफ वन डिग्री रूट ठीक है और टर्शरी का क्या लिखूंगी लेटरल ब्रांचिंग ऑफ डिग्री रूट ठीक है इज इट क्लियर गेटिंग माई पॉइंट अब इसका डायग्राम बना लो आप कैसे बनाओगे भाई देखो जैसे ये रेडिकल है ये क्या है आपका रेडिकल ठीक है ये क्या है रेडिकल रेडिकल से जो पहली रूट इलोंगेट हुई वो क्या है वन डिग्री प्राइमरी से जो एक ब्रांच आई लेटरल वो टू डिग्री और ये थ्री डिग्री तो कैसे लिखोगे इसको ये हो गई वन डिग्री रूट मतलब प्राइमरी ये टू डिग्री रूट मतलब सेकेंडरी और ये थ्री डिग्री रूट टर्शरी तो क्या मैं इसको एक तरीके से रूट सिस्टम डिक्लेयर कर दूं रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम फाइब्रस रूट सिस्टम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम आई मेरी बात समझ में येस yes, जन्नत ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता है चलो आ जाओ गेटिंग माई पॉइंट अब अगर हम एक रूट को अच्छे से पढ़ें उसके पार्ट को अच्छे से मॉर्फोलॉजी को आराम से पढ़ेंगे 2020 के लिए भी टाइम है जैसे हम लोग रूट को स्टेम को देख लेंगे आज फिर लीव ऐसे करके तीन से चार लेक्चर में पूरी मॉर्फोलॉजी खत्म कर देंगे ठीक है हो सकता है कुछ लेक्चर यूट्यूब पे लूं कुछ लेक्चर स्पेशल क्लास पे लूं उसके लिए टेलीग्राम देखते रहना ठीक है अब अगर हम लोग पार्ट्स को डिस्कस करें एक टिपिकल रूट के पार्ट को डिस्कस करें parts of a typical root. parts of a typical root. भाई जैसे मैंने एक root ले ली ये एक cylindrical है मैंने कहा कि मैं इसके parts को discuss करूंगी तो पहला part आएगा root cap. पहला part क्या आएगा root cap. root को टोपी पहनाओ रूट को क्या करो टोपी पहनाओ देखो ये वाला जो रूट का पार्ट है ये वाला जो रूट का पार्ट है इसे आप अपेक्स कहोगे ठीक है या आप इसको कह सकते हो कि ये एकदम टिप और अपेक्स वाला पार्ट है ये वाला पार्ट क्या है सॉइल के अंदर जाता है और सॉइल रॉक्स की बनी हुई है और क्रॉस करते 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 सॉइल को एंकरेज करता है पकड़ बनाने के लिए सॉइल uh, में से मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने के लिए तो रूट कैप क्या होता है इसकी प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ रहता है कि ये जो रूट का टिप वाला पार्ट है जो बार बार सॉइल के अंदर जा रहा है फ्रिक्शन कर रहा है सॉइल से उसको प्रोटेक्शन करो वरना यह पार्ट क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा तो अपेक्स ऑफ रूट कवर्ड बाय कवर्ड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर थिम्बल लाइक मतलब ऑलमोस्ट ओवॉइड इन स्ट्रक्चर थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर ठीक है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर ठीक है गेटिंग माई पॉइंट अब मुझे एक बात बताओ मैंने ये जो रूट का अपेक्स है इसको रूट कैप से कवर कर दिया तो रूट कैप का काम क्या है प्रोटेक्शन देना प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रिक्शन ऑफ रॉक पार्टिकल्स ठीक है कैसे होगा भाई जैसे ये रूट का टिप है ये जा रहा है ये रॉक 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 और रॉक पार्टिकल्स हैं ठीक है थीके? ये रॉक पार्टिकल्स हैं तो ये जब रॉक्स को एंकर करके घुस रहा है तो फ्रिक्शन नहीं हो इसलिए मैं क्या करूंगी एक रूट कैप को पहना दूंगी इसके आसपास तो रूट कैप का काम क्या है प्रोटेक्शन देना अब मुझे एक बात बताओ इस ये जो टिप वाला पार्ट है अपेक्स वाला पार्ट है इसको इतना क्या जरूरत है प्रोटेक्शन देने की क्योंकि ये जो ये टिप वाला पार्ट है ये वाला जो टिप वाला पार्ट है यहाँ पर आपका मेरिस्टेम लोकेटेड है मैरिस्टमेटिक सेल्स लोकेटेड हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और रूट को लेंथ में बढ़ाते हैं तो अगर मैंने मेरिस्टेम को तोड़ दिया या मेरिस्टेम को डैमेज कर दिया रॉक से तो रूट कभी भी ग्रो नहीं करेगी ठीक है अपेक्स पार्ट ज मैरिस्टमैम मैरिस्टेम इज इट क्लियर स्टूडेंट्स गेटिंग माई पॉइंट भाई ये देखो ये रूट का टिप है ये वाला पार्ट क्या है इसका मैरिस्टेम वाला है तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए इसके आसपास रूट कैप लगा दो ठीक है आई बात समझ में लिख लो इसको चाहो तो ठीक है स्टूडेंट्स अब तो लैग नहीं कर रहा है रवि तिवारी बेटा ये बैकलॉग ही तो करवा रही हूं ये ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए एक तरीके से क्रैश कोर्स ही तो है जो रोज सुबह साढ़े ग्यारह बजे आता है ठीक है आप लोग क्या है टेलीग्राम पे जुड़े रहा करो रेगुलर रहा करो उससे क्या है आपके सेशंस नहीं मिस होंगे अब रूट कैप के पास दूसरा पॉइंट कौन सा है दूसरा पॉइंट कौन सा लिखूंगी ग्रोइंग पॉइंट या मैरिस्टमेटिक जोन भाई पहले तो हमने रूट कैप पढ़ लिया है ठीक है ग्रोइंग पॉइंट एंड मैरिस्टमैटिक जोन ये कहां पर होगा भाई ये रूट का टिप है इसके आसपास मैंने रूट कैप पहना दी ये रूट कैप है ठीक है ये रूट कैप है तो ये वाला जो पॉइंट है आप क्या करो रूट कैप से थोड़ा सा मिलीमीटर ऊपर चलो फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप फ्यू मिलीमीटर्स अबाउ द रूट कैप आप क्या करो रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है ये आपको मैरिस्टमेटिक दिखेगा मैरिस्टमेटिक क्योंकि इस वाले, इस वाले पार्ट में क्या है मैरिस्टमैटिक सेल्स है स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट में क्या हैं स्टूडेंट्स मैरिस्टमेटिक सेल हैं जो कि थिन वॉल्ड होते हैं डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है ठीक है जैसे ये वाला अगर मैं पार्ट बनाऊँ ये मेरिस्टेम का तो इसमें क्या हो गए थिन वॉल्ड सेल ऐसे पैरेंकाइमेट सेल्स होते हैं ठीक है थिन वॉल्ड सेल्स में कंटिन्यूस पावर की डिवीजन होती है देखो ये वाला जो पार्ट है ये सॉइल में धसता जा रहा है कुछ सेल्स टियर होते जा रहे हैं तो नए सेल्स बन जाएंगे अगर रूट की लेंथ को लंबा करना है ग्रो करना है तो आप सेल्स को क्या करो मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो ये क्या हो जाएगी रूट ऐसी लंबी होती जाएगी क्या होती जाएगी लंबी होती जाएगी तो यहां पर जो सेल्स हैं वो क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो एक तरीके से स्मॉल साइज होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं खूब सारा डिवाइड करना है तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होना चाहिए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड हैज कंटिन्यूअस पावर ऑफ डिविजन बार बार यह सेल्स को डिवाइड करना है माइटोटिक डिविजन एक से दो बनाने हैं दो से चार बनाने हैंज कंटिन्यूस माइटोटिक डिविजन हैज कंटिन्यूस माइटोटिक डिविजन कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाते करते जाते करते जाते, 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 जाते हेल्प है, करते हैं किसमें हेल्प करते हैं हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट और अगर कुछ सेल्स डेड हो गए हैं तो उनको रिप्लेस भी कर देते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स तो गया ग्रोइंग पॉइंट या मेरिस्टेमेटिक पार्ट मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया अब तीसरा पार्ट आता है आपका रीजन और जोन ऑफ इलोंगेशन रीजन ऑफ इलोंगेशन या फिर जोन ऑफ इलोंगेशन पहले एक एक करके लिख लो फिर पूरा डायग्राम बनवा दूंगी ठीक है देखो जोन ऑफ इलांगेशन क्या है जैसे पहले आया रूट कैप रूट कैप से थोड़ा ऊपर आया मतलब उसी को ही घेर रहा है मैरिस्टोमैटिक जोन मैरिस्टमैटिक जोन से आप थोड़ा सा ऊपर और चलो एक तरीके से आप कह सकते हो इट इज बिहाइंड द मैरिस्टोमैटिक जोन ठीक है ऐसे लिखो जोन जस्ट अबव और बिहाइंड मैरिस्टमेटिक जोन ठीक है यहां पर कौन से सेल्स हैं जो खुद मैरिस्टमेटिक जोन से डिवाइड होकर ऊपर जाते हैं सेल्स फ्रॉम मैरिस्टमेटिक जोन पर इस जोन में जो सेल्स आए हैं वो क्या हो गए हैं मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यार सेल को सिर्फ लंबाई थोड़ी चाहिए ठीक है रूट को सिर्फ लंबाई थोड़ी चाहिए उसको काम भी करना है उसको बहुत सारी मॉडिफिकेशंस भी करनी है तो किसी ना किसी को स्पेशलाइज तो ठीक है किसी ना किसी को स्पेशलाइज तो करना ही पड़ेगा तो आप क्या करो सेल्स को स्पेशलाइज करो उनकी जो पावर ऑफ डिविजन है उसको क्या कर दो रोक दो ठीक है तो हेयर सेल्स लॉस्ट पावर ऑफ डिविजन सेल्स लॉस्ट पावर ऑफ डिविजन एंड बिकम मैच्योर बच्चों जो नहीं आए हो इस सेशन को लाइक शेयर करके लिंक शेयर कर दो जिन बच्चों को नहीं पता चला है वो भी आ जाए क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाले हैं इसके ठीक है ये बात समझ में आ गई अब क्या है यहां के जो सेल्स मैच्योर तो हो रहे हैं लेकिन सेल्स धीरे धीरे इलोंगेट भी करते हैं सेल्स इलोंगेट ऑल्सो सेल्स इलोंगेट ऑल्सो मतलब ये ऐसा था सेल ठीक है अब ये ऐसा हो गया है इलोंगेशन जिस तरीके से मैरिस्टोमेटिक जोन सेल्स को बार 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 डिवाइड करके लेंथ को बढ़ाता है उसी तरीके से इस जोन में जो लेंथ मैच्योर हो रहे हैं भाई पहले क्या हो रहे हैं इस जोन में सेल्स क्या है देखो ये आपका क्या है अगर ये मैरिस्टोमेटिक जोन है तो सेल्स क्या हैं डिवाइड होकर ऊपर भी आ गए हैं अब ये सेल्स क्या कर रहे हैं अपने आप को इलांगेट कर रहे हैं एक बार इलांगेट कर लिया उसके बाद मैच्योर हो गए अब आगे डिवाइड नहीं करेंगे तो ले देखे किसमें मदद कर रहे हैं इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट तो रूट के हम लोगों ने चार पार्ट देखे रूट कैप मैरिस्टमेटिक जोन जोन ऑफ इलाशन अब हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या देखेंगे अब हम लोग देखेंगे लास्ट पार्ट रूट हेयर जोन कौन सा वाला पार्ट देखेंगे रूट हेयर जोन ठीक है रूट हेयर जोन का क्या मतलब होता है रूट का ऐसा जोन जिसके पास बाल हैं जिसके पास हेयर्स हैं लंबे लंबे ट्यूब्यूलर आउट ग्रोथ्स हैं लंबे लंबे ट्यूब्यूलर आउट ग्रोथ्स हैं ठीक है थीके? इसको भी आप जोन ऑफ मैचूरेशन कहोगे या आप इसको जोन ऑफ डिफ्रेंसीएशन भी कह सकते हो ठीक है? कहने का क्या मतलब है कि अब जैसे नीचे मैरिस्टमेटिक जोन है मैरिस्टोमैटिक जोन डिवाइड करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है ऊपर के सेल्स को देता जा रहा है देता जा रहा है देता जा रहा है देता जा रहा है तो जो जोन ऑफ इलांगेशन था वो तो इलांगेट करके मैच्योर हो गया अब कुछ मेरिस्टमेटिक सेल थोड़े ऊपर भी खसक गए ठीक है देखो ऐसा सिनेरियो है ये ये क्या है आपका ये रूट कैप है ये क्या है ये रूट कैप है ठीक है ये आपका क्या है मैरिस्टमैटिक जोन मेरिस्ट्मेटिक जोन इसको ही रूट कैप ने कवर कर रखा है ये मान लो आपका जोन ऑफ इलोंगेशन ये क्या है जोन ऑफ इलोंगेशन और ये वाला क्या है आपका रूट हेयर जोन देखो अब इस पे फोकस करो ये जो रूट हेयर जोन है यहां से मैरिस्टोमेटिक सेल्स ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए और यहां पर भी पहुंच गए ये रूट हेयर जोन है ये रूट हेयर जोन है भाई सेल को तब मैच्योर करोगे ना जब सेल को बनाओगे तो ये खसकते गए खसकते गए ऊपर पहुंच गए यहाँ पर जो सेल्स आ चुके हैं रूट हेयर जोन में आने के बाद सेल्स फाइनली और मैच्योर होते हैं और डिफरेंश होते हैं क्या करते हैं और डिफरेंश होते हैं जैसे ये मेरेस्टोमेटिक सेल्स मिले तो ये जो आउटर के जो सेल्स होते हैं रूट हेयर जोन में ये तो एपिडर्मल सेल्स बना लेते हैं ये तो क्या करते हैं एपिडर्मल सेल्स बना लेते हैं ये क्या है एपिडर्मल सेल्स और इन एपिडर्मल सेल्स में से क्या निकलती हैं ट्यूब्यूलर ग्रोथ निकलती है क्या निकलती हैं ट्यूब्यूलर आउटवर्ड प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स जिन्हें रूट हेयर्स बोलते हैं गेटिंग माई पॉइंट जिन्हें रूट हेयर्स बोलते हैं अब बचाइए बीच का पोर्शन बीच के पोर्शन में भी तो मैरिस्टोमैटिक सेल्स हैं ये मैरिस्टोमेटिक सेल्स क्या करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं और कुछ परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं क्योंकि जो मैरिस्टोमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो प्राइमरी टिश्यूज़ होते हैं इसके बाद एनाटॉमी पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे सेकेंडरी बनेंगे परमानेंट बनेंगे तो यहाँ के जो मैरिस्टोमेटिक सेल्स हैं वो क्या हैं वो हो गए हैं मैच्योर वो हो गए हैं मैच्योर और मैच्योर होने के बाद वो जाइलम भी बना सकते हैं फ्लोयम भी बना सकते हैं पेरीसाइकिल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एनाटॉमी में इसका गजब का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ठीक है गेटिंग माई पॉइंट इज इट क्लियर सेल्स इन बिटवीन कैन फॉर्म भाई जब एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते ना कि ये रूट हेयर है ये रूट हेयर होते हैं रूट हेयर के अंदर फिर क्या होता है पेरीसाइकिल कॉर्टेक्स जाइलम फ्लोएम तो ये वाला वही पार्ट दिखाया गया है ये वही पार्ट को इंडिकेट किया गया है कैन फॉर्म जाइलम फ्लोएम कॉर्टेक्स पेरीसाइकिल ठीक है एंडोडर्मिस और इसी ही रीजन की रूट हेयर रीजन में क्या बनता है जो आउटर एपिडर्मल सेल्स हैं शो यूनिसेल्यूलर एक सेल के बने हुए ऑलमोस्ट यूनिसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर आउटग्रोथ्स रूट हेयर जो क्या करेंगे रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे और वॉटर एब्सॉर्बशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स मदद करेंगे इतना आया समझ में क्लियर हुआ हम्म hmm? क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स इतनी चलो इज इट क्लियर अब हम लोग अगर फंक्शंस के बारे में बात करें ंक्शन के बारे में बात करें तो रूट का पहला फंक्शन क्या है एंकरेज इंटू दू दी सॉइल में घुस जाओ पकड़ लो रॉक पार्टिकल्स को दूसरा सबसे बड़ा रोल ये तो फंक्शन रूट के होते ही होते हैं पर इसके अलावा भी देखोगे मॉडिफिकेशन कहते हैं एब्सॉप्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दिस सॉइल क्या है रूट हेयर्स हैं ठीक है ठीके? भाई ये देखो ये जैसे रूट हेयर है तो ये क्या है ये सॉइल पार्टिकल्स हैं गेटिंग माई पॉइंट इज इट क्लियर स्टूडेंट्स आ रही है बात समझ में हम्म? और किस में करते हैं अब देखो कुछ अदर फंक्शंस भी रूट में होते हैं देखो वैसे रूट क्या है आपके अंडरग्राउंड पार्ट है लेकिन कभी कभार आप रूट को अबव ग्राउंड भी देखोगे जैसे ये फूड को स्टोर करने में मदद करेंगी ठीक है कुछ प्लांट हॉर्मोन्स को बनाने में मदद करेंगी मैन्युफैक्चर ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ठीक है और आप कह सकते हो रेस्पिरेशन में मदद कर सकती है कुछ कुछ रूट्स फोटोसिंथेसिस में भी करती हैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देती हैं तो ये सारे क्या हैं फॉलोइंग फंक्शंस हैं रूट के ठीक है स्टूडेंट्स गेटिंग माय पॉइंट हाउ दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन यहां पर क्या है वॉटर है ऑस्मोसिस से वॉटर रूट हेयर्स में चला गया फिर वो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे से ट्रेवल करता है जाएलंग. फिर जाइलम ही उसको ऊपर ले जाता है ट्रांसपिरेशन पुल से एनाटॉमी में पढ़ेंगे ना इस चैप्टर के बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है अब देखो अब क्या है अब हम लोग टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम के बारे में बात करेंगे दो तरीके के रूट सिस्टम्स होते हैं दो तरीके के रूट सिस्टम होते हैं प्राइमरी रूट सिस्टम प्राइमरी रूट सिस्टम जो कि एक्चुअल रेडिकल से आता है भाई रूट का जो मेन काम है वो क्या है रेडिकल से आना और एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यह रूट के अलावा अगर किसी भी पार्ट से रूट इमर्ज हो गई तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होती है ठीक है स्टूडेंट्स अब देखो इसके भी दो पार्ट हैं इसके भी दो पार्ट हैं टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम ठीक है स्टूडेंट्स टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम ठीक है गेटिंग माय पॉइंट इज इट क्लियर टू एवरीवन चलो अब पहला पढ़ेंगे टैप रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम बहुत ही इजी सिस्टम है टैप रूट सिस्टम क्या बोलता है रेडिकल से पहले क्या होगी प्राइमरी ब्रांच निकलेगी मतलब अगर रेडिकल से पहली एक रूट की ब्रांच निकलेगी तो वो प्राइमरी ब्रांच होगी फिर आप उसकी लेटरल ब्रांचेस कर दो सेकेंडरी ब्रांच टर्शरी ब्रांचेस ठीक है तो लिख लो मेन प्राइमरी ब्रांच अराइजेस फ्रॉम मेन प्राइमरी ब्रांच अराइजेस फ्रॉम किस से रेडिकल से जो मेन रूट प्रोड्यूसिंग पार्ट है सीड का ठीक है रूट सिस्टम हैज शो लेटरल ब्रांचेस मतलब वही सेकेंडरी और टर्चरी टू डिग्री एंड थ्री डिग्री सेम यही बात हो गई कि ये आपका रेडिकल है ये प्राइमरी रूट है सेकेंडरी रूट है प्राइमरी की ब्रांच सेकेंडरी सेकेंडरी की ब्रांच टर्शरी ठीक है गेटिंग माई पॉइंट इज इट क्लियर टू एवरी वन अब सीन इन डाइकॉट्स हम ये कहेंगे कि मोस्टली एंड मोस्टली डाइकॉट्स के पास टैप रूट सिस्टम है हम एनजीओ पढ़ रहे हैं तो एनजीओ में मोनोकोट और डाइकोट दोनों आते हैं तो मोस्टली डाइकोट या ऑलमोस्ट ऑल डाइकोट्स में क्या होता है आपका टैप रूट सिस्टम होता है इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो मस्टर्ड अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी पहले आप पूरा का पूरा ये रूट सिस्टम लिख लो टैप रूट फाइब्रस और एडवेंटेजेस फिर एलोंग विथ एग्जाम्पल्स में आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी ठीक है मस्टर्ड ठीक है कैरेट मस्टर्ड कैरेट रेडिश वैसे तो आप लोग प्योरली एनसीआरटी एग्जाम्पल पे ही स्टिक रहो एक आध कोई एक्स्ट्रा दिख भी रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है टर्निप इज इट क्लियर गेटिंग माई पॉइंट तो टैप रूट सिस्टम का ओरिजन रेडिकल अब हम लोग पढ़ते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम फाइब्रस रूट सिस्टम मतलब रूट ऐसे लंबे लंबे धागानुमा फाइबर्स की तरह दिख रही है फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है सेवरल सेवरल फाइन ब्रांचेस अराइजेस फॉर्म स्टेम का बेस यहां पर रेडिकल से कोई मतलब नहीं है प्राइमरी रूट से कोई मतलब नहीं है और उसकी ब्रांचेस को कतई भी आप सेकेंडरी और टर्शरी नहीं कहोगे तो हम लोग क्या कहेंगे सेवरल फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स

यहां पर कोई रेडिकल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसकी पहली ब्रांच प्राइमरी रूट नहीं होगी और ना ही उसकी ब्रांचेस को आप सेकेंडरी और टर्शरी कहोगे ठीक है ये स्टेम है ये ये स्टेम का बेस है ये स्टेम है तो इससे ऐसे रूट और उसकी ब्रांचेस होंगी ठीक है रूट विथ एड्स ब्रांचेस गेटिंग माई पॉइंट इसके एग्जाम्पल में आप कैसे देख सकते हो हुँ? बताओ अच्छा अगर आप टैप रूट सिस्टम का डाई से कोई ट्रिक बताना चाहो वो भी बताती हूं चलो वीट ये आपका एनसीआरटी में गिवन है टैप रूट सिस्टम का तो कोई एग्जाम्पल गिवन ही नहीं है एनसीआरटी में आप लोग देखना और आप देख सकते हो जैसे मैरी गोल्ड है बीन्स है ठीक है गेटिंग माई पॉइंट तो टैप रूट सिस्टम डाई इज इट क्लियर इज इट क्लियर बेटा हिंदी में मैं कैसे लिखूँ मैं इंग्लिश में ही लिख पाऊंगी पर मैं बोल दोनों भाषाओं में रही हूँ इज इट क्लियर स्टूडेंट्स तो अब देखो अगर आप इसकी कोई ट्रिक बनाना चाहो कि टैप रूट सिस्टम डाईकॉट में है देखो टैप रूट सिस्टम डाइकॉट में है तो आप इसकी ट्रिक बना सकते हो टी डी टी डी से आप कुछ भी याद कर सकते हो ठीक है अगर आप देखो फाइब्रस रूट किस में होता है मोनोकॉट में तो आप फाइब्रस रूट की ट्रिक बना सकते हो एफ एम रेडियो टैप रूट सिस्टम डाईकोटन में टीडी टी डी को आप कुछ भी बोल दो ठीक है कुछ भी नाम दे दो और आपका जो फाइब्रस रूट सिस्टम है वो किस में है मोनोकॉट में तो एफ एम एफ एम रेडियो सुनते हैं हम लोग ठीक है गेटिंग माई पॉइंट वीट जो एन में है आप उन्हें सर्कल कर लो इज इट क्लियर अब तीसरा आता है आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एडवेंटिशियस रूट, रूट सिस्टम अगर आप आ, टैप रूट सिस्टम ठीक है फाइब्रस रूट सिस्टम और इसके एडवेंटिशियस की कोई ट्रिक बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो हुँ? ये मैं पर चलो एक पूरा लिखवा देती हूँ फिर बताती हूँ आप लोगों को एडवेंटिशियस रूट सिस्टम मतलब एडवेंटिशियस का मतलब होता है एक्स्ट्रा क्या होता है इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैप रूट सिस्टम है उसको रेडिकल की जरूरत है अदरवाइज वो नहीं ग्रो करेगी फाइब्रस बीज का कोई पार्ट मान लो लेकिन एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है कि रूट अराइज होती है प्लांट के किसी भी पार्ट से रूट अराइज हो सकती है लेकिन वो रेडिकल से नहीं होगी रूट अराइजेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल मतलब लीव से अराइज हो सकती है स्टेम से अराइज हो सकती है स्टेम की कोई ब्रांच से अराइज हो सकती है एग्जाम्पल एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो आप लोग ग्रास और बैनियान एंड मॉन्स्टेरा प्योरली एनसीआरटी का एग्जाम्पल है एनसीआरटी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स गेटिंग माई पॉइंट इतना समझ में आया आप लोगों को ठीक है अब जैसे आप लोग एक साथ इसकी ट्रिक के बारे में लिख लो ठीक है कैसे बना सकते हो आप लोग इसकी ट्रिक बताओ कोई बता सकता है इसकी ट्रिक अगर मैं बोलूं टैप रूट सिस्टम फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम मैं बना के नहीं आई हूं पर बना सकते हैं हम लोग यहीं पर ही इन तीनों की क्या ट्रिक बनेगी टोटल फेक आदमी और की मैंने नहीं बनाई है मैं आपको हो सकता है कल भी बना के बता दूं अब इसमें आप कौन से कौन से एग्जाम्पल को ले सकते हो मस्टर्ड कैरेट और टर्निप इसकी आप कुछ भी बना लो एम सी टी ठीक है वीट फेक आदमी ने वीट को चुरा लिया फेक आदमी ने गेहूं को चुरा लिया ठीक है ग्रास बेनियान ठीक है और मॉन्स्टेरा इसकी आप ट्रिक बना सकते हो अभी बना लें जनरल बैंकर ऑफ महाराष्ट्र यही बन गई है ट्रिक टैप रूट फाइब्रोस और एडवेंटीजर क्या टोटल फेक आदमी ठीक है टोटल में क्या आएंगी आपकी एग्जाम्पल एमसीटी एमसीटी डायरेक्ट लो एक कंपनी का नाम है एमसीटी फेक आदमी ने गेहूं खा लिया वीट ले गया और ये जो आदमी है ये क्या है जनरल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करता था ठीक है गेटिंग माई पॉइंट इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स चलो अब रूट की क्या है हम लोगों को मॉडिफिकेशंस देखनी है रूट की क्या है हम लोगों को मॉडिफिकेशंस देखनी है कि रूट सिर्फ दो चार फंक्शंस नहीं करती है वो अदर देन फंक्शंस भी करती है देखो अगर रूट के मेन फंक्शंस की मैं बात करूं तो वो एंकरेज करेगी और वाटर एंड फूड के एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन में हेल्प करेगी क्योंकि एब्जॉर्ब कैसे करेगी उसके पास रूट हेयर है कंडक्ट कैसे करेगी उसके पास जाइलम है लेकिन अगर अदर फंक्शंस की मैं बात करूं कि मैं चाहती हूं कि रूट में फूड स्टोरेज भी हो जाए मैं चाहती हूं कि रूट एक्स्ट्रा सपोर्ट भी करे ठीक है और मैं रेस्पिरेशन भी करवाना चाहती हूं मैं क्या करवाना चाहती हूँ रेस्पिरेशन भी करवाना चाहती हूँ मैं आर एस एस करवाना चाहती हूँ रेस्पिरेशन स्टोरेज एंड सपोर्ट ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी मैं फूड स्टोरेज कराऊंगी अगर मुझे किसी भी रूट में खाना भरना है जैसे ये रूट है मैंने इसमें खाना भर दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी सोलन हो जाएगी फूल जाएगी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स फूल जाएगी सोलन हो जाएगी ठीक है तो फूड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो फूड स्टोरेज फूड स्टोरेज में क्या क्या आएंगे जैसे हम लोग टैप रूट की बात करते हैं भाई हमें दो ही तरीके के एग्जाम्पल चाहिए या तो टैप रूट या एडवेंटिशियस तो अगर टैप रूट के बारे में बात करूं तो पहला होगा कोनिकल ठीक है फिर क्या होगा फ्यूजी फॉर्म और फिर क्या होगा नेपी फॉर्म ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूं ठीक है आप चाहो तो लिख लो वरना सिर्फ नॉलेज के लिए समझ लो देखो क्या होता है कि जो टैप रूट है अगर उसको फूड को स्टोर करना है फूड को स्टोर करना है ठीक है तो एग्जाम्पल में जैसे आया कैरेट इसमें क्या होता है सोलन बेस एंड नैरो अपेक्स मतलब जो रूट है वो इस तरीके से फूड को स्टोर करती है कि सोलन बेस मतलब ब्रॉड बेस और सोलन अपेक्स हो जाता है ब्रॉड बेस एंड सॉरी ब्रॉड बेस एंड नैरो अपेक्स नॉट सोलन सॉरी इज इट क्लियर फ्यूजी फॉर्म में क्या होता है खाना भर जाता है और बीच में से जो रूट है वो मोटी हो जाती है ऊपर और नीचे से टेपर्ड रहती है ऐसे गेटिंग माई पॉइंट एग्जाम्पल में क्या आएगा रेडिश नेपी फॉर्म का क्या मतलब होता है नेपी फॉर्म का ऊपर से इतनी मोटी हो गई है स्पेरिकल भयानक मोटी और नीचे से टेपर्ड इज इट क्लियर इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा टर्निप एनसीआरटी के बेसिस पर कौन से दो एग्जाम्पल याद करने हैं आपको कैरेट और टर्निप सी टी या टी सी कैसे भी याद कर लो गेटिंग माई पॉइंट इज इट क्लियर टू एवरी वन अगर यही फूड स्टोरेज बेटा एक काम करते हैं इसको कल पढ़ते हैं ठीक है और अगर आज नेट की प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं वो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं दूंगी ठीक है हाँ चलो कल पढ़ते हैं ये बहुत बफर कर रहा है ये नहीं हो पाएगा लेक्चर ठीक से ठीक है कल पढ़ते हैं तो वैसे तो काफी सारा हो गया है तो कल जो लिंक है वो डाल दूँगी टेलीग्राम पे और मॉर्फोलॉजी उसी में ही कंटिन्यू कर लेंगे ठीक है स्टूडेंट्स चलो